आज हम आर्यवर्त वर्णन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संपूर्ण पृथ्वी मंडल के शरीर पर प्रकाशवान भाग्य होने के कारण से स्वर्गलोक के समान, ग्रामीण कवि के कथा प्रबंध के समान, नीरस मनुष्य के लिए भी मन को आकर्षित करने वाली भारत की आभूषण की भांति सुंदर स्त्री के कुछ मंडल के सदृश प्रमुख समस्त देशों में व्याकरण का अध्ययन ना करने वाले व्यक्ति की भांति धातु आदि प्रकृतियों जैसे उपसर्ग, निपात, वर्ण विन्यास, अक्षर वृत्तियों को ना जानने वाला शंकर के जड़ाजूड़ के समान खिले हुए सुनहरे कमलों तथा नील कमलों से बिखरते पराग समूह से पीली कांति वाले हंस के कर्णाभूषण तथा सुशोभित होने की भांति अत्यधिक संख्या में चलते हुए चकोर, चक्रवाक और कारंडवों के समूह से सुशोभित किनारों वाली भगीरथ नामक राजा की कीर्ति की पताका रूप से चंचल तरंगों से स्वर्गगमन की सोपान पंक्ति सी लगने वाली गंगा के पवित्र जल से युक्त या पवित्र जल वाली गंगा जिसका एक देश चंद्रभागा नदी से अलंकृत है, जिसकी जड़ाजूड़ का एक भाग चंद्रमा की एक कला से शोभायमान है या सुसज्जित है, संसार के सभी भुवनों का सार रूप पुण्य कर्म करने वालों की शरण स्थली सौंदर्य रूपी केले के वन का उद्यान, धर्म का निवास स्थान, सभी संपत्तियों का एकमात्र स्थल, कल्याणों का आश्रय, सद्व्यवहार रूपी रत्नों की खान, श्रेष्ठ आर्य मर्यादाओं के उपदेश के भवन के समान आर्यावर्त नामक देश है।